वेलकम बैक टू एजेंडा 360। ब्रेक पे जाने से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से हम बात कर रहे थे और उनके तासरात ले रहे थे, पहले शाह महमूद कुरैशी पे और फिर नेटो के हमले पे, जिस पे ये सवाल उठा था एंड में कि क्या ये नेटो का जो हमला हुआ है पाकिस्तानी पोस्ट पे, ये क्या दानिस्ता था, क्या ये एक मैसेज वो भेजना चाह रहे थे पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान के अवाम को या पाकिस्तान की हुकूमत को, या फिर ये फ्रेंडली फायर थी या उनसे किसी तरह से रिटेलिएशन में ये इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, क्या ये एक बड़ी सतह पे फैसला किया गया था, प्लानिंग के ज़रिए किया गया था, या फिर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है वो जिस तरह एक फायर फाइट में उस वक्त डिसीजंस लिए जाते हैं तो उस वक्त का डिसीजन था। मोईज़ जाफरी, मेरा तो इसमें यही ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान को मैसेज भेजना था। उन्होंने पाकिस्तान ऑफ लेट कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी शरायत जो अमेरिका मनवाना चाह रहा है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान लगता है कि शायद नहीं मान रहा था। इकराम सैगल साहब का मुझे बताया जा रहा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इकराम सैगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इकराम सैगल साहब, यही अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तानी पोस्ट पे, वाज इट अ डिलिबरेट मैसेज सेंट बाय द यूएस आर्मी और एंड डिसीजन टेकन एट द हाईएस्ट लेवल्स, या फिर ये एक फायर फाइट का एक रिस्पांस था, या फिर ये फ्रेंडली फायर थी, या फिर एक एक्सीडेंट था, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, दिस पोस्ट वाज 2.5 किलोमीटर अंदर था पाकिस्तान के, और आप पता है कि रात के वक्त अगर कोई फायर फाइट होती हो तो आपको 10 किलोमीटर के आपको 30-40 किलोमीटर तक आपको प्रेशर बुलेट्स वगैरह नजर आएंगे। दूसरी बात ये थी कि मैं खुद हेलीकॉप्टर पायलट रहा हूँ, और रात के वक्त जब हम टेक ऑफ करते हैं और टारगेट एक्विजिशन करते हैं तो सैटेलाइट और GPS और रडार के जरिए हमें पहले पता होता है टारगेट एक्विजिशन का, तो उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए टारगेट क्या थी। मैं समझता हूँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, दिस वाज अ डिलिबरेटली प्रोवोक्ड अनप्रोवोक्ड प्रीमेडिटेटेड अटैक, एंड दैट कैन ओनली से कि दिस वाज अ मैसेज सेंट। व्हाट्स द मैसेज? अफसोस से कहना पड़ता है कि जी देखिए आपको कि हम ये, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अगर ट्रुप्स डिप्लॉय ना हो और अगर जो सोए हुए हों एक जगह पर तो उस वक्त अगर जो बमबारी हो तो यू हैव मैक्सिमम कैजुअल्टीज, आप कैजुअल्टीज की फिगर देखें आप अगर पूरा नजरिया देखें तो इट वॉज अ बड़ा क्लियर कट एक मैसेज भेजा गया था, और किस लिए मैसेज भेजा गया था अभी वो आप और हम खाली गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये चला आ रहा है। आपकी क्या गेस है? हमें देखिए, इंसल्ट तो हमें वो करते रहते हैं, आए दिन हम इंसल्ट करते हैं। हमारी अगर आप देखिए हमारी कुर्बानियां देखें तो वो 10 times दैट है, ये ऐसी कोई स्टेटिस्टिक्स क्लियर कट कहती हैं, लेकिन वो आए दिन आपको किसी ना किसी बात पर ISI को आर्मी को आप किसी ना किसी बहाने पर आपको इंसल्ट करते हैं, ये एडिंग इंजरी टू इंसल्ट वाली बात है। मैं समझता हूँ, मुझे शक है, मुझे मैं ये नहीं पता, मैं सच है कि जो रिसेंट डिवेलपमेंट्स हुए हैं जिसके अंदर ये मेमो गेट वगैरह ये सब चीजें शामिल हैं, इसके अंदर शक है मुझे, मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यू नो ये एक कड़ी चली आती है। और आप देखें उससे पहले माइक पेलन ने कहा था कि आपके ISI आप कॉम्प्लिसिट था काबुल के अटैक में, और हमारे लोग दो अमेरिकन उसमें शहीद फौत हुए हैं वगैरह, तो ये कंप्लीट एक कड़ी नजर आती है। और मैं अफसोस से कहना पड़ता हूँ, मैं उन लोगों में से हूं जो मैं समझता हूं कि आई पर्सनली लाइक अमेरिकन वेरी मच, एंड आई मैं समझता हूं यू आर अ मॉडरेट वॉइस सर, बट ये बताते चलें व्हाट्स द मैसेज एंड व्हाई द मैसेज नाउ। देखिए मैसेज तो मैसेज मैंने पहले भी बताया कंजेक्चर हो सकता है, लेकिन आई थिंक वो मैसेज ये भी होगा कि यू नो हकानी साहब खुद एक जो अभी यहाँ पर है मुसीबत में पड़े में, कि ये आप पूरी वॉशिंगटन वहां पर देखें तो ही वॉज अ डार्लिंग ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट यू नो, एंड लोग कहते थे कि ये अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान एम्बेसी में वहां बैठे हुए वहां पर, तो आप पूरी आप वो पढ़ लें, कंप्लीट ब्लैंकेट हुआ हुआ है उनके। सैगल साहब आप कह रहे हैं कि हुसैन हकानी के लिए अमेरिका ने आके 24 पाकिस्तानी जवानों को शहीद कर दिया। देखिए मैसेज देने के तरीके, मैं ये नहीं कह रहा, मैसेज देने के तरीके बहुत सकते हैं, मे बी वो नहीं चाहते थे कि 24 पाकिस्तानी नहीं मरे, वो तो नहीं पता होगा उनको कि ये पूरे एक सोए हुए बेचारे पड़े,
लेकिन मैसेज देने के बहुत तरीके होते हैं। लेकिन मैं आप ये जरूर बोलता हूँ कि उनको इस बात से खुशी नहीं है कि एक आदमी जो वो फील करते थे कि प्रो अमेरिकन एक बातें करता था वो उनको आपने वहां से हटा दिया। सर, डोंट यू थिंक इट्स मोर प्लॉजिबल कि जो पाकिस्तान की लैक ऑफ कोऑपरेशन विजवी हक्कानी ग्रुप एंड विजवी ये जो अभी टीटीपी से कहते हैं मुजाकरात चल रहे हैं या हम बॉन की या टर्की से लेके बॉन तक जो हम रजामंदी नहीं अपनी दे रहे अफगानिस्तान के एंड गेम पे जिस तरह अमेरिका चाहता है, तो उस हवाले से हमें मैसेज था कि हम अपनी जो है नज़रसानी करें इस तरह जो अमेरिका को हम थोड़ा बहुत जो भी है टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड गेम में। जी वही सब आप बिल्कुल प्लॉजिबल, इसके अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मैं जिस तरह मैंने वो कंजेक्चर ही है, बट नहीं कंजेक्चर तो मेरा भी है जी। आप ठीक बोलते हैं, मैं आपसे नहीं करता है। बहुत सी चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो थोड़ी सी इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से आपने देखा ड्रोन अटैक्स भी थोड़ा कम हो गए, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जब जाती थी तो उनको क्लियर कट टारगेट्स मिल जाता था, अब उनके ड्रोन अटैक्स कम हो गए और अगर जो हाफ हैजर्ड हो गए, तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ। चले, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, व्हाट डू वी डू नाउ? मैं समझता हूँ जी कि रिस्पॉन्स एक ही है जो आप डिफेंस कमेटी ने बता दी है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड रिस्पॉन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी नेटो सप्लाईज वो बंद कर दें। कोई जवाब नहीं होता कि एक शिप आए कराची में, वहां पर अनलोड हो, पाकिस्तानी लेबर अनलोड करे, आपकी ट्रकों में जाए फ्यूल एंड एमुनेशन, वो लोड हो वहां पर हेलीकॉप्टर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल, वो हेलीकॉप्टर आके आपके लोगों को शहीद करे, तो ये बात नहीं बनती। तो रिस्पांस है कि सेगल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब एम्यूनेशन पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाती सर, एम्यूनेशन वो लोग एयर ड्रॉप करते हैं अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान के थ्रू से सप्लाई जाती है। नहीं नहीं, ये बातें बोलने की होती है कि एम्यूनेशन जो है उनकी आती भी है, एम्यूनेशन बहुत सी उनकी आती है बाई एयर भी आती है, फॉर एग्जाम्पल जो हाई वैल्यू एम्यूनेशन होती है रॉकेट्स वगैरह वो तो ले आते हैं बाई एयर, बट जो 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 एम्यूनेशन जो होती है फॉर एग्जांपल राउंड्स और मशीन गन्स वगैरह ये वो, ये तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग इट बाय एयर, इट्स टू इट इज द वेट बाय इटसेल्फ, वेट टू इकोनॉमिक रेशियोस का बनता है, सो दैट इज ऑलवेज कम्स बाय ट्रक्स और रोड व्हाटएवर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड योर एनालिसिस। हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, वी कांट, वी वुड लव टू हैव यू ऑन फॉर लॉन्गर। व्यूअर्स, आप देख रहे थे एजेंडा 360, हमने बात करी शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनकी पीटीआई में ज्वाइनिंग के हवाले से और मुख्तलिफ आरा से आपको आगाह करने की कोशिश की। आपकी क्या राय है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं facebook.com/agenda360 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।